जो थीम आपने करवा चौथी है इसके बारे में आप पूरी जानकारी दें। आज करवा चौथ का पावन पर्व जो सदियों से मनाते आ रहे हैं, तो आज हम लोग भी इस पर्व को यहाँ मना रहे हैं और एक दूजे के लिए, जैसे कि ये थीम है तो जब शादी होती है, बंधन होता है, तो हम लोग एक ऑटोमेटिक सी फीलिंग आती है कि वी आर मेड फॉर ईच अदर, हम दोनों एक दूसरे के लिए बने और फिर अच्छे और बुरे लम्हों को जीते हुए हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं। और करवा चौथ के दिन हम सबके अंदर वो फीलिंग्स होती है कि हमारा जो पति है, हमारा जो सुहाग है, वो लंबी आयु हो उसकी, वो स्वस्थ रहे और दिल से उसके लिए हम लोग व्रत रहते हैं बिना भूखे प्यासे। और इसी पर्व को, क्योंकि पर्व जिस दिन है व्रत उस दिन तो हम कुछ भी नहीं खा पी सकते, तो उसका प्री एक सेलिब्रेशन हम लोग यहाँ कर रहे हैं जिसमें फुल मस्ती फुल एंजॉय करेंगे और सभी बहुत प्यारे 16 सिंगार भी हमारी टीम में तो पूरा रेडी होकर के सब यहाँ पे आए हैं। मैम एक क्वेश्चन, जैसा आपने बताया कि अभी आप करवा चौथ का व्रत रहते हैं, पूरा वैसे ही रहते हैं, तो क्या आज भी वैसे ही व्रत है क्या आप लोग? हाँ, आज भी हम लोग वैसे ही रहते, प्रॉपर वैसे ही रहते हैं, वही मतलब कुछ खाना नहीं है, कुछ पीना नहीं है, आज 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 तो सेलिब्रेशन है, आज तो आप देख रहे हैं हम लोग प्रिपेयर हो रहे हैं ना। इसमें इसमें एक आपने एक लाइन रखा है कि नो प्लास्टिक, इसमें कुछ नो प्लास्टिक। अभी जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी ने ये बहुत अच्छी एक मुहिम चलाई है और हम लोग जब गिफ्ट रैप करने की के लिए सोच रहे थे कि कैसे करें, तो मैं चाह रही थी कि हम लोग गिफ्ट ऐसे रैप करें कि हमें प्लास्टिक जब यूज ही नहीं करनी है तो वहां पे भी नहीं हो। तो यहाँ पे एक अच्छी आप गैदरिंग देख रहे हो, 60-70 लेडीज है हमारे पास, तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे लगा कि इस वॉक के जरिए हम ये बता सकते हैं कि प्लीज अवॉइड प्लास्टिक, क्योंकि आप देख रहे हो कितना पर्यावरण अभी पानी जगह जगह बिहार में जो कंडीशन थी वो सिर्फ प्लास्टिक और प्लास्टिक की वजह से है। तो टोटली सरकार भी इस पे कुछ भी नहीं कर सकती, हम सबको ये मुहिम का साथ देना पड़ेगा। तो आज हमारी सारी लेडीज जूट बैग, ऑर्गेनिक बैग्स और कॉटन बैग्स लेके वॉक भी करेंगे और ये मैसेज है और ये मैसेज प्रण लेंगे ये कि आगे भी अपनी फ्रेंड्स को बताएं कि प्लीज अवॉइड प्लास्टिक। जितनी महिलाएं यहाँ पे हैं ये सारे कंटेस्टेंट, हाँ ये सभी कंटेस्टेंट्स हैं, हम लोगों ने तीन तरह के कंटेस्टेंट, एक करवा क्वीन निकालेंगे स्पेशल करवा क्वीन, फर्स्ट सेकंड रनर अप, डांसिंग भी है और सिंगिंग भी है। आप देख रहे हैं सब बड़े जोश और उत्साह से भरे हुए हैं और सब अपना अपना पार्ट करेंगे और जीते या हारे मैटर नहीं करता, सब एंजॉय करता है। कंटेस्टेंट आइए बात करते हैं, आप बताइए आप स्टेज कंटेस्ट के बारे में बताइए। हेमा जी ने जो प्री करवा चौथ का सेलिब्रेशन स्टार्ट किया है ये बहुत अच्छा है, बाहर हम लोग बाहर निकलते हैं, नई नई फ्रेंड्स हमारी बनती हैं और हम लोग एंजॉय करते हैं। मैम एक क्वेश्चन और, मैम इस प्रोग्राम के लिए जैसे बताया अभी कि डांसिंग का बड़ा अभी आप लोगों ने किया अभी, तो क्या बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ी थी डांस को लेकर या फर्स्ट टाइम? डांस के लिए प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ती है, मुझे आप उसको करने लगा दीजिए, मैं उसको डांस करूंगी। अच्छा, यानी डांसर हूं मैं अब। ओके, दूसरे कंटेस्टेंट के बाद भी चलते हैं। एक बाल का सा बाइट ले लो ना, ये यहीं बगल में खड़े लोगों का दिक्कत है, इनका ही ले लो, क्या दिक्कत है सर, किसी का ले लो, एक खत्म ले लो। मैम एक मैम पहला डांस अभी आप ही का था मैंने देखा, हाँ तो डांस के लिए कैसे प्रिपेयर, मतलब डांसिंग हॉबी है क्या आपकी? डांसिंग मेरी हॉबी है, डांसिंग से मेरी खुशी मिलती है। अच्छा रहे आप, नो प्लास्टिक वाला मैसेज आप ही को देंगे। नो प्लास्टिक वाला मैसेज रहते आप ही को देंगे। थैंक यू।